कोरोना को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं। कोरोना का अपडेट, पिछले 24 घंटे में कितने मामले सामने आए हैं ये आपको बता देते हैं, क्योंकि कोरोना का कहर लगातार जारी है। संक्रमितों की संख्या में भले ही जो ग्राफ है नीचे गिर रहा है, 1,65,553 नए केस सामने आए हैं, 3,460 कोरोना से मरीजों की मौत अब तक हो चुकी है। पिछले 24 घंटों की बात बता रहे हैं हम, टोटल मौत 3,25,972 अब तक हमारे देश में हो चुकी हैं। तो देश भर में कोरोना का कहर लगातार जारी है। कोरोना संक्रमितों की जो संख्या है उसका ग्राफ भी एक जैसा ही देखने को मिल रहा है, 1,65,000, तकरीबन 65,500 नए कोरोना केस सामने आए हैं। तो ग्राफ बहुत ज्यादा गिरा हुआ नहीं है, बहुत ज्यादा फर्क इसको नहीं कह सकते, राहत के साथ अभी नहीं ले सकते, क्योंकि कोरोना से जंग अभी बाकी है, सिर्फ यही कहा जाएगा। रोजाना जिस तरीके से 3,350 लोगों की मौत हो रही है, वो सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। तो कोरोना का कहर देश में लगातार जारी है, लेकिन अभी तक मौत के आंकड़े जो है वो थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। संक्रमितों की संख्या जो है भले ही उसमें इजाफा नहीं हो रहा है, लेकिन वो आंकड़ा वहीं पर अटका हुआ है, तकरीबन 1.5 लाख से नीचे नहीं आ पा रहा है। राजीव तिवारी संवाददाता हमारे साथ इस समय ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ चुके हैं। राजीव, आपका जो नया अपडेट है, तकरीबन 1,65,000 नए केस सामने आए हैं, यहां पर ये कहा जा सकता है कि ये 1,65,000 से केस नीचे नहीं आ पा रहे हैं, 1.5 लाख से नीचे नहीं आ पा रहे हैं। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने, यहाँ पर बात करें कुछ हद तक तो रफ्तार पर ब्रेक लगी लगती नजर आ रही है, मगर जिस तरीके से 1.5 लाख से नीचे के आंकड़े नहीं आ रहे हैं उससे साफ जाहिर है कहीं ना कहीं स्थिति कंट्रोल में नहीं हो पा रही है। मगर जिस तरीके से बात करें केंद्र सरकार की, तो केंद्र सरकार लगातार कहीं ना कहीं कोशिश कर रही है, राज्य सरकारें भी कोशिश कर रही है, मगर कहीं ना कहीं जनता की तरफ से भी लापरवाही देखने को मिल रही है और कहीं ना कहीं सरकारों की तरफ से भी, अधिकारियों की तरफ से भी लापरवाही है, क्योंकि जिस तरीके से संक्रमण फैल रहा है अभी भी कहीं ना कहीं उसको रोकने के लिए कड़े कदम उठाने होंगे। बेशक लॉकडाउन लगा रखा है, समाधान बिल्कुल फिर भी नहीं है, कहीं ना कहीं वैक्सीन की जो प्रक्रिया है वो भी नहीं बढ़ पा रही है, तो कहीं ना कहीं दिक्कतें जरूर है, मगर जल्द से जल्द इसको समाधान को निकालना होगा और कहीं ना कहीं कोरोना की जो रफ्तार है उस पर और ज्यादा अंकुश लगाना होगा, ताकि कोरोना की जो रफ्तार है उस पर कहीं ना कहीं ब्रेक लग सके। जी, हम दिल्ली की अगर बात कर ले तो दिल्ली में भी लगभग ऐसा ही, भले ही जो कोरोना का ग्राफ है वो हर दिन 1,000 या फिर 1,500 संक्रमितों का जो आंकड़ा है कम हो रहा है, लेकिन मौत के आंकड़े उस हद तक कम नहीं हो पा रहे जो कि चाहिए देश को। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने, यहाँ पर बात करें दिल्ली की, तो बात करें तो दिल्ली के अंदर भी लगातार कहीं ना कहीं कोरोना वायरस जो है वो अभी भी लोगों के बीच में है और कहीं ना कहीं वायरस का जो खतरा है बिल्कुल बना हुआ है, और लगातार दिल्ली सरकार कोशिश भी कर रही है जनता को जागरूक करने की कोशिश कर रही है। बात करें पिछले 24 घंटे के आंकड़ों की, तो कहीं ना कहीं वो भी कहीं ना कहीं 1,000 से नीचे आ चुके हैं, मगर लगातार कहीं ना कहीं जो मरने वालों की संख्या है उसमें कहीं ना कहीं बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, मगर अभी भी कहीं ना कहीं 200 के करीब आंकड़े हैं जो मरने वालों के हैं, मगर कहीं ना कहीं कोशिश ये भी की जा रही है कि ये आंकड़े भी कम हो, मगर देखना होगा जनता कितना सहयोग करती है, क्योंकि अभी तक जनता ने बिल्कुल सहयोग किया था, लॉकडाउन का रास्ता भी निकाला गया था, लॉकडाउन के अंदर लोग अपने घरों में भी रहे थे, मगर जिस तरीके से कोरोना की रफ्तार में कहीं ना कहीं कमी आई है उससे कहीं ना कहीं लगता है कि जनता कहीं ना कहीं जागरूक है, मगर अभी भी जो थोड़ी बहुत जो कमी देखने को मिल रही है उसके लिए भी। बहुत शुक्रिया राजीव आपका पूरी जानकारी के। देश दुनिया की खबरों के लिए ANB News को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।